मध्य प्रदेश का पन्ना जिला मंदिरों, झीलों और हीरों के लिए देश दुनिया में विख्यात है। और पन्ना जिले से निकलने वाली केन नदी में बेशकीमती रेत भी पाई जाती है, जिसे छलनी कर रेत माफिया अवैध रेत का धड़ल्ले से उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं। बता दें कि जिले की समूहवार रेत खदानों के ई ऑक्शन पर हाईकोर्ट जबलपुर ने आगामी आदेश तक के लिए रोक लगाई है। इसके बावजूद बेखौफ रेत माफिया धड़ल्ले से रेत का उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अब्दुल रमजान चौहान ने इसको लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से वीरा, चंदौली आदि खदानों में रात के अंधेरे में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के रेत माफियाओं के द्वारा ये उत्खनन हो रहा है। इस उत्खनन की जानकारी प्रशासन को होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अभी मेरी जानकारी में तो नहीं है, और यदि ऐसा हो रहा है तो शासन की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि अवैध उत्खनन नहीं होगा, और यदि ऐसा हो रहा है तो मैं इसकी जांच करवाऊँगा और कलेक्टर से मिलूँगा और जो भी वहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनसे मैं बात करूँगा कि किस क्षेत्र में कहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।